सामने की तरफ देखेगा कि ट्रैफिक चल रहा है, मेरे सामने टेम्पो है और मेरी स्पीड अभी 60 से ऊपर की है, फिफ्थ गियर में कार है। अभी ओवरटेक के लिए सबसे पहले अपने ओवर वे में देखे, लेफ्ट वाले में क्लियर व्यू है और सामने भी अच्छा खासा गैप मेंटेन रखे ताकि अगले वाला व्हीकल ब्रेक मार के हमारी कार उसमें हिट ना हो जाए। अब आप पैरों की पोजीशन देखिए, हल्की से एक्सेलरेशन पर है, आप सामने देख सकते हैं जैसे कि अब चौराहा आ गया, सिग्नल आ गया है, मैंने ब्रेक अप्लाई कर रखा है, देखिए सिर्फ और सिर्फ ब्रेक। अभी क्लच मैं फिफ्थ का गियर से सीधा कार को सेकंड गियर में लाऊंगा, देखिएगा ये मैं लिया है सीधा सेकंड गियर में इसको। अब कार को कर देते हैं थर्ड गियर में, फोर्थ गियर लगाना है, क्लच पूरा एकदम अपना छोड़ दो, एक्सेलरेशन पर पैर मतलब स्पीड से काम होना चाहिए। मैं आपको वीडियो में दिखाने के लिए पैर को इतनी स्पीड से कर रहा हूँ, वरना एक्सपीरियंस है पर वीडियो में समझ, अब फिफ्थ गियर में करनी है, पैर उठाओ एक्सेलरेशन वाला ऊपर ऐसे कैसे, साइड में डेड पेडल हो तो उस पर रख लो और क्लच को पूरा ऐसे रखो, पूरा प्रेस करो, ये नहीं है कि इसको ऐसे दबा दिया, एडी रख के फिर पंजा नीचे करो जब करो आप। अब कार ठीक मेंटेन स्पीड में चल रही है, मुझे कोई क्लच ब्रेक किसी चीज की जरूरत नहीं है, गियर अप डाउन की कुछ नहीं, 80-70 की स्पीड पे कार है, ठीक चल रही है। सामने भी ट्रैफिक काफी ज्यादा दूर है, वैगनर चल रही है उसमें और मुझमें काफी ज्यादा गैप मेंटेन है। अब सामने जो ट्रैफिक साजेंगे, जो चौराहे मोड़ कुछ भी आ सकता है अचानक से व्हीकल, तो मैं उसमें दिखाऊंगा आपको कार कैसे संभालना है अगर अचानक कुछ भी आ जाए तो। अभी चौक आ गया, यहाँ से व्हीकल आएगा ही आएगा, तो सबसे पहले तो अपना एक्सेलरेशन छोड़ देना है, फौरन करिए, देखे जैसे आ गए व्हीकल ऑटो बाइक, लेकिन उन्होंने लेफ्ट में दाब लिया तो हमने दोबारा से एक्सेलरेशन ऑन कर दिया। अब हमें ज्यादा एक्सेलरेशन की भी जरूरत नहीं है क्योंकि ये देखिएगा सामने दोबारा से सिग्नल है, ट्रैफिक है शहर के अंदर, हम ये बताओ कार को खींचो फिर रखो, खींचो फिर रखो, उसका कोई फायदा नहीं है, इससे ठीक है अपना नॉर्मल स्पीड में कम स्पीड में थोड़ा चल लो। अब सामने थार चल रही है तो इससे मुझे अच्छा खासा डिस्टेंस मेंटेन रखना, कोई भी ट्रैफिक हो, कोई भी व्हीकल हो, चाहे बाइक तक हो, साइकिल तक हो, हर एक चीज से डिस्टेंस मेंटेन रखना है। अब मैंने साइड लेके इससे भी ओवरटेक करते हैं, जो मेरी साइड में बाइक थी उससे आगे निकल चुका हूँ, देखिए सिग्नल ग्रीन है तो मैं चल रहा हूँ, सिग्नल कभी भी ना तोड़े। देखिए हालांकि पानीपत में चलानों का इतना वो नहीं है कि चलान कट जाएगा, लेकिन अपनी सेफ्टी के लिए होता है, अगले को ये दिख रहा है कि मेरा ग्रीन सिग्नल है और वो तो अपने उसमें स्पीड से आएगा। अब मुझे राइट में जाना, मैंने पहले इंडिकेटर दे दिया राइट का, सेकंड देखिए मेरी गियर बदलने की पोजीशन जो पैरों पर रहती है, कमांडिंग जो भी है मेरी, ये जो लोकल में कार चलाने में अगर आपने सीख लिया बिना कार बंद करे तो आप कार चलाने में ये समझ लो एक्सपोर्ट आपको आ गई है। जैसे कि अब मैं इस जगह पर चल रहा हूँ, मिनट मिनट में तो भाई गियर ऊपर नीचे करना पड़ रहा है, कभी सेकंड गियर कभी थर्ड फोर्थ, तो लगने का यहाँ पे मतलब ही नहीं है। जो कोर्ट है, देखिए कोर्ट के सामने से चल रहे हैं, ये चौराहा हो गया, फिर उधर से कोर्ट का गेट हो गया, तो कोई भी आ सकता है, हॉर्न करे और अपनी स्पीड को आप इतनी करके रखे कि अचानक से कुछ भी आ जाए तो आप उसको कंट्रोल कर लें, आपकी कार अनबैलेंस ना हो, कंट्रोल में रह जाए। सामने देखे दोबारा कितना सारा ट्रैफिक आ गया, मैं ट्रैफिक के लिए बार बार क्यों बता रहा हूँ कि बंदे इस चीज में कंफ्यूज होते हैं, ब्रेकिंग वगैरह में कुछ भी आके आ जाए तो हिट हो जाती है, कार लग जाती है, कंफ्यूज हो जाते हैं, तो मैं इस वीडियो में वो ही बता रहा हूँ कि अगर आपके सामने कोई भी अचानक कुछ भी व्हीकल या कुछ भी एनीथिंग कुछ भी आ जाए तो कार को किस तरह से हैंडल करना है, गियर वगैरह, क्लच पे पैर, ब्रेक पे पैर, कौन सी पोजीशन रखनी है आपको, और सबसे पहले बात तो नर्वस नहीं होना कभी भी। देखिए यहाँ पर भी गेट है, कुछ भी व्हीकल निकल के आ सकता है, स्लोप है तो सीधी सी बात है वो स्पीड में आएगा, स्लो नहीं आएगा जहाँ पर भी स्लोप है, तो ड्राइविंग करते समय ये नहीं है कि सिर्फ हमें अपना सीधा चलते रहना है, वही बात है भाई चारों आग करके चलना पड़ता है ड्राइविंग करते हुए। देखिए बड़ा ब्रेक कर रहा है, क्लच क्लच में कार ने इसे पार कर दिया है, सामने से दोबारा ब्रेक कर रहा है तो मैं अभी सेकंड गियर शिफ्ट नहीं करूंगा क्योंकि दोबारा से फिर फर्स्ट गियर करना पड़ेगा। देखिए ब्रेकर भी काफी अच्छा हल्का सा ब्रेक करके हल्का सा एक्सेलरेशन पर पैर ताकि कार वापस ना उतर जाए, इतना हल्का पैर एक्सेलरेशन पे कि ये आपको कार में नॉइस भी ना आए, पता भी ना लगे कि कार रेस ले रही है। जहां पर जरूरत है बिल्कुल स्लो करनी पड़ेगी, वहां मैं क्लच ले रहा हूँ, ना क्लच का यूज नहीं कर रहा हूँ मैं।